जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों के बारे में, जिसको भारतीय रेलवे ने मंजूरी भी दे दी है। तो ये 5 वंदे भारत ट्रेनें कहां चलने वाली है, इन सभी ट्रेनों का रूट कौन सा होगा और इनसे जुड़े हुए सभी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अभी से ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों इसको लेकर कल ही मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुका था, जो कि अभी काफी ज्यादा चर्चा में है और सभी लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मीडिया रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर बिहार को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने पटना से मालदा और गया से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राज्य में 3 वंदे मेट्रो भी चलेगी। इनका परिचालन जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर के बीच में होगा। इसके अलावा दोस्तों बनारस से आसनसोल के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल चुकी है, जो बिहार से होकर गुजरेगी। रेलवे जल्द ही ट्रेनों का इनॉग्रेशन डेट भी अनाउंस करने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी सिर्फ वंदे भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगा। वंदे मेट्रो की लॉन्चिंग आपको दिसंबर महीने के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि वंदे मेट्रो का काम अभी जारी है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन अभी फिलहाल चल रही है, तो इसकी लॉन्चिंग आपको इन दोनों रूटों पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम रिपोर्ट में आगे बढ़े तो जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना से आने वाले दिनों में एक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। पटना से पश्चिम बंगाल के मालदा के बीच वंदे भारत ट्रेन परिचालन होगा। इसे हफ्ते में 6 दिन भारतीय रेलवे चलाएगी। वहीं गया से हावड़ा के बीच भी वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने वाली है। इस ट्रेन को हफ्ते में 3 दिन भारतीय रेलवे चला सकती है। बिहार से पश्चिम बंगाल जाने आने वाले यात्री जल्द ही कम समय में अपना सफर पूरा कर पाएंगे इन ट्रेनों के जरिए। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर ले पटना मालदा वंदे भारत ट्रेन की, तो ये ट्रेन भागलपुर होकर जाएगी और पटना और मालदा के बीच में प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन का लाभ बिहार के अन्य शहर को भी मिलेगा। इसका परिचालन भागलपुर और जमालपुर के रास्ते भारतीय रेलवे करेगी। इन ट्रेनों के लिए नोटिफिकेशन ईस्टर्न रेलवे ने फ्राइडे के इवनिंग में ही जारी कर दिया है। हावड़ा और पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन को भी निकट भविष्य में ही मंजूरी मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब ट्रेनों को भारतीय रेलवे चलाएगी लेकिन पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन नहीं चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पटना से हावड़ा के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे जरूर चलाएगी। इसमें हो सकता है कि समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे के CPRO श्री कौशिक मित्रा ने बताया है कि नई ट्रेनों की इनॉग्रेशन की तारीख जल्द ही रेलवे बोर्ड के द्वारा घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर रेलवे बोर्ड की तरफ से ईस्टर्न रेलवे को 5 वंदे भारत और 5 वंदे मेट्रो की सौगात दी है। इस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रूट के बारे में डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आए हैं उसको मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इस प्रपोजल के तहत आसनसोल से बनारस और रांची के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। आसनसोल बनारस वंदे भारत ट्रेन का लाभ बिहार को भी मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेन बिहार से होकर जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय रेलवे धीरे धीरे वंदे भारत ट्रेन का नेटवर्क पूरे बिहार में फैलाने वाला है और ऐसा करके सभी मेजर रूट जो कि बिहार में इम्पोर्टेंट रूट है उन सभी रूट को वंदे भारत ट्रेन से भारतीय रेलवे जोड़ेगी। और ऐसे में पश्चिम बंगाल को भी और साथ ही उत्तर प्रदेश को भी इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए भारतीय रेलवे जोड़ने वाली है। और आप लोग का काफी ज्यादा कमेंट आता है मेरे पास कि पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन कब चलेगी, तो इसका भी परिचालन काफी जल्दी भारतीय रेलवे कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि पटना और हावड़ा के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन देखने के लिए हमें थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना पड़े। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2 वंदे भारत ट्रेन का रूट और साथ ही 3 वंदे मेट्रो का रूट शेयर किया, लेकिन इस लिस्ट में और कुछ रूट का नाम यहाँ पर शामिल है जो कि मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर काफी बड़ा अपडेट ये है कि इन सभी रूटों को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, मतलब इसका रेक अलॉट जल्द हो सकता है और इसका रेक भी ट्रायल के लिए ऑरिजिनेट स्टेशन पर पहुंच सकता है और उसके बाद भारतीय रेलवे ट्रायल रन भी कंडक्ट करवाना शुरू कर देगी। और अगर ऐसा होता है तो बिहार में काफी अच्छी वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगी। और इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल या फिर बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।